Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज एमन असलम अमान और आज हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। एक्चुअली जनरल इंटेलिजेंस जो होती है वो नॉलेज को समझने में और उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देती है। तो इसमें हम लोगों ने बच्चे से कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी। जो पहली एक्टिविटी जो हम लोगों ने करवाई थी वो थी मैथ प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग बच्चों को कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज देते हैं और बच्चों को सॉल्व करने का कहते हैं न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्कूल की एक बिल्कुल एक ही एज लेवल के बच्चे लिए हैं और अब हमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कौन से बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को करना पसंद करते हैं और जो इस चीज़ पे कमांड रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ पे कमांड नहीं होगी। जबकि अगर जहाँ तक बात की जाए, जैसा कि आपने देखा कि अभी एक बच्चे ने अपना हाथ रेज किया क्योंकि वो इसमें अपनी कमांड रखता है और वो इसको सॉल्व कर चुका है। सेकेंड एक्टिविटी अब हम बच्चों से करवाएंगे जिसमें हम लोग बच्चों को कुछ शेप्स देंगे और वो उस शेप्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हम इस बच्चे को एक ट्रायंगल शेप दे रहे हैं और हम उससे पूछ रहे हैं कि इस शेप का नाम क्या है। और सेकंड बच्चे को हमने एक सर्कल शेप दी और उससे भी यही सवाल किया कि इस शेप को आप पहचानते हैं या नहीं, जबकि उस बच्चे ने सर्कल का बताया लेकिन ट्रायंगल को वो गेस नहीं कर सका। थर्ड एक्टिविटी जो हम लोग बच्चों से करवाएंगे वो है पजल सॉल्विंग। इसमें हमने एक ही क्लास के बच्चे लिए हैं जिनका एक ही एज ग्रुप है। इसमें हम बच्चों को पजल सॉल्विंग के लिए एक पेज देंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चों की मेंटालिटी किस तरह वैरी करती है। पजल सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने बच्चों को पेजेस दिए और उनके ऊपर शेप्स बनी हुई थी। एक्टिविटी नंबर 4 है ड्राइंग। इसमें हम लोगों ने बच्चों को ड्राइंग के लिए पेजेस दिए जिनके ऊपर शेप्स बनी हुई थी और उनको ड्रा करना था। एक्चुअली हम लोगों ने ये पेज इसलिए दिए क्योंकि बहुत से बच्चे मैथमेटिक में अच्छे हो सकते हैं, बहुत से बच्चे वर्ड रिकॉग्निशन में अच्छे हो सकते हैं और शायद वो पेंटिंग में अच्छे ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो पेंटिंग में बहुत अच्छे हों और वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हल करने में इतनी अच्छी कमांड ना रखते हों। 5 एक्टिविटी जो हम लोगों ने करवाई थी वो थी पिक्चर रिकॉग्निशन। इसमें हम लोगों ने बच्चों को एक पिक्चर दिखाई और उसको गेस करने का कहा कि ये कौन सी पिक्चर है। बोर्ड में हम लोगों ने एक एप्पल की शेप बनाई और एक बच्चे को कहा कि इसको गेस करो ये कौन सी शेप बनी हुई है, जबकि बच्चे ने बोर्ड के ऊपर एप्पल लिखा क्योंकि वो इस चीज़ को पहचान गया था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो
चीजों को देख के ज्यादा जल्दी एक्टिविटी नंबर 4 है ड्राइंग। इसमें हम लोगों ने बच्चों को ड्राइंग के लिए पेजेस दिए जिनके ऊपर शेप्स बनी हुई थी और उनको ड्रा करना था। एक्चुअली हम लोगों ने ये पेज इसलिए दिए क्योंकि बहुत से बच्चे मैथमेटिक में अच्छे हो सकते हैं, बहुत से बच्चे वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में अच्छे हो सकते हैं और शायद वो पेंटिंग में अच्छे ना हों, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो पेंटिंग में बहुत अच्छे हों और वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हल करने में इतनी अच्छी कमांड ना रखते हों। 5 एक्टिविटी जो हम लोगों ने करवाई थी वो थी पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें हम लोगों ने बच्चों को एक पिक्चर दिखाई और उसको गेस करने का कहा कि ये कौन सी पिक्चर है। बोर्ड में हम लोगों ने एक एप्पल की शेप बनाई और एक बच्चे को कहा कि इसको गेस करो ये कौन सी शेप बनी हुई है, जबकि बच्चे ने बोर्ड के ऊपर एप्पल लिखा क्योंकि वो इस चीज़ को पहचान गया था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को देख के ज़्यादा जल्दी कमांड पकड़ते हैं। थर्ड एक्टिविटी जो हम लोग बच्चों से करवाएंगे वो है पजल सॉल्विंग। इसमें हमने एक ही क्लास के बच्चे लिए हैं जिनका एक ही एज ग्रुप है। इसमें हम बच्चों को पजल सॉल्विंग के लिए एक पेज देंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चों की मेंटालिटी किस तरह वैरी करती है। पजल सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने बच्चों को पेजेस दिए और उनके ऊपर शेप्स बनी हुई थी। थर्ड एक्टिविटी जो हम लोग बच्चों से करवाएंगे वो है पजल सॉल्विंग। इसमें हमने एक ही क्लास के बच्चे लिए हैं जिनका एक ही एज ग्रुप है। इसमें हम बच्चों को पजल सॉल्विंग के लिए एक पेज देंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चों की मेंटालिटी किस तरह वैरी करती है। पजल सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने बच्चों को पेजेस दिए और उनके ऊपर शेप्स बनी हुई थी।